कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। आज आप सबके माध्यम से हम दो तीन इश्यूज को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली इन इश्यूज को एड्रेस करके इन इश्यूज को सॉल्व करने की ट्राई करेगी। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जिस ज़िले से आता हूं, ज़िला किश्तवाड़, जिसका सिंथन टॉप रूट जो है वो सिर्फ किश्तवाड़ को कश्मीर डिवीज़न के साथ कनेक्ट नहीं करता है बल्कि एंटायर चिनाब डिवीज़न को जो है कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है। और पिछले एक लंबे टाइम से उस रोड को खुलवाने के बाद भी, मतलब वो रोड चलने फिरने के लिए थ्रू था, फिर भी उस रोड को बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस बंद रखा गया है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर्स लिखे, बहुत सारे प्रयासों के बाद फिर सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए उस रोड को खोला गया। और उस मेडिकल इमरजेंसी में पास लेने का प्रोसेस भी बहुत हेक्टिक है, तो ये सिर्फ एक ड्रामे के लिए ये चीज की गई। तो बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस ये रोड जो बंद रखा गया है, हम ये चाहते हैं कि हमें ये रीजन पता लगे। हमारा हक है कि हम ये जाने कि आखिर ये रोड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद रखा तो रखा क्यों है, क्योंकि ये रोड एक लाइफ लाइन है। ये रोड केवल इस डिवीजन को दूसरे डिवीजन के साथ कनेक्ट नहीं करती है बल्कि मड़वा, वड़वन, दक्षिण में रहने वाली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट करती है। तो जबरन उस एरिया के लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। इसका रीजन, इसका जवाब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात हम आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए ऑलरेडी मीटिंग्स वगैरह लेना जो है एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तो हम अपनी तरफ से ये चीज चाहते हैं, प्रदेश यूथ कांग्रेस ये चाहती है, किश्तवाड़ के लोग ये चाहते हैं कि इस बार अमरनाथ यात्रा को स्वागत करने का मौका जो है वो चिनाब वैली किश्तवाड़ के लोगों को दिया जाए। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है वाया बटोत, रामबन, बनहाल जाने वाला, उसकी हालत क्या है। उसकी हालत बहुत खराब है जिस वजह से वो रास्ता अपने डिस्टेंस से ज्यादा लंबा लगता है। जाम की वजह से कभी कभार दो दो दिन रास्ता बंद रहता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस बार अगर कोविड की परिस्थितियां ठीक रहती हैं, सब कुछ ठीक रहता है और अमरनाथ यात्रा इस बार जाती है, तो हम इस बार ये चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा का रूट जो है वो वाया किश्तवाड़, वाया सिंथन टॉप लिया जाए और यात्रियों को स्वागत करने का मौका जो है इस बार किश्तवाड़ के लोगों को दिया जाए। इससे किश्तवाड़ इलाका जो है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा असर रहेगा इन सारी चीजों का। इसके अलावा यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है जेएंडके स्टेट में, पर्टिकुलरली चिनाब वैली की मैं बात करूं, जम्मू डिवीजन की बात करूं, तो बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा है। आज भी बहुत मुश्किल से 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के स्लॉट्स बुक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन ही एकमात्र जरिया इस टाइम पे बन गया है इस कोविड से लड़ने के लिए। तो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी मात्रा में, एक अच्छे तरीके से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव में जो डिले आ रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लापरवाही की वजह से आ रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज की वजह से आ रहा है, जो उन्होंने एक लार्ज चंक ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो अपने निजी फायदे के लिए, मोदी शाह ने अपने निजी फायदे के लिए, अपने पार्टी वर्कर्स के फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए फॉरन में बेच दिया, अपने लोगों की जान को खतरे में डालकर। हम आज उनसे एक बार फिर ये निवेदन कर रहे हैं कि आपको देश की जनता ने चुना है, ना कि फॉरनर्स ने।
सबसे पहले अपने घर का ध्यान दीजिए, अपने लोगों का ध्यान दीजिए, अपने लोगों की जान बचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।